this day you came around, came around. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. हेलो माय लवली मानसी व्लॉग्स मतलब एमवी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम कुकिंग और क्लीनिंग रूटीन। सो काफी आप में से फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इवनिंग रूटीन शेयर करने के लिए, तो प्रॉपर रूटीन मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया है पहले। एक प्रॉपर यू नो जो प्रॉपर रूटीन होता है वो मैं कभी और शेयर करूंगी। तो आज बेसिकली मैं कुकिंग और क्लीनिंग वाला पार्ट ज्यादा कवर करने वाली हूँ, नाइट टाइम में कैसे करती हूँ मैं। सो आज बहुत ही यम्मी सा एक मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, और या यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट आउट बिकॉज बहुत अमेजिंग निकल के आती है वो सब्जी। चलो एनीवेज, सो फिलहाल मैं चाय बना के चाय एंजॉय कर रही हूँ। सभी जो छोटे मोटे थोड़े से काम है वही कर रही हूँ, जैसे अभी कपड़े काफी खट्टे हो गए थे। जनरली कपड़े जब मैं वॉश कर लेती हूँ ना, मैं कोशिश वही रहती है कि मेरी वॉश करने के बाद जब भी वो सूख जाए ना इमिजिएटली उनको फोल्ड करके रख दूँ, तो उससे ना वो इकट्ठे नहीं होते। लेकिन अभी हमारा वीकेंड और कुछ दिन ना काफी हेक्टिक गए हैं और कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे, एक साथ बहुत कपड़े धुले हैं तो काफी कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा करके उन्हीं को फोल्ड करके ना सेट कर रही हूँ। और यस, पुणे का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कुछ दिनों से, इतनी अमेजिंग सी मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सो वही उसी को एंजॉय करते हुए यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। तो कॉर्न की सब्जी के लिए यहाँ पे लिया है मैंने, जो नॉर्मल एक पैकेट कॉर्न आता है ना वो है, और ये है आपके जो बेबी कॉर्न्स आते हैं ना उनको मैंने छोटे छोटे काट के ना इनको फ्रीजर में डाल दिया था बिकॉज काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो काट के फ्रीजर में डाल दिया था। तो इसको करेंगे स्टर फ्राई। यहाँ पे लिया है ऑयल, कॉर्न्स डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, एक कॉर्न थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर लिए हैं, टमाटर और यहाँ पे है काजू, तो इसका बनाएंगे पेस्ट। तो ये हो गया, इसमें हल्की सी ब्राउनिंग आ गई है, तो बेसिकली हम इसका जो कच्चा एक स्मेल होता है ना उसको हटाना है। आप चाहो तो ना बेबी कॉर्न नहीं है तो नॉर्मल कॉर्न का भी बना सकते हो, और सिर्फ अकेले बेबी कॉर्न का भी बना सकते हो, तो दोनों ही अच्छा टेस्ट करते हैं। कढ़ाई पे ऑयल लिया है, इसमें जो कैप्सिकम कट किया है ना उसको डाल दूंगी, और हल्का सा नमक डालेंगे, और इसको ना हाई फ्लेम पे हमको ब्राउनिंग लेके आनी है, इसको गलाना नहीं है हमको। तो छोटे छोटे प्याज थे तो मैंने यहाँ पे आई थिंक 3 या 4 प्याज लिए हैं, मीडियम साइज प्याज हो तो आप 2 ही लेना, इसको हम चॉप कर लेंगे। सो सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा तेल और बटर, बटर से ना बहुत अच्छा एक स्वाद आता है, आप चाहो तो घी भी यूज कर सकते हो इसकी जगह। थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, इसमें डाल रही हूँ थोड़े से लहसुन प्याज, और प्याज में नमक डाल के हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो अनियन हमारे फ्राई हो गए हैं, इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई अदरक और लहसुन, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें डाला मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। तो ये जो पेस्ट बनाया था हमने टमाटर वाला, तो ये डाल देंगे अभी इसमें। तो देखिए टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है ना, इकट्ठा हो गया है हल्का हल्का सा साइड में, तो तेल आप देख रहे हो ऐसा, तो इसका मतलब टमाटर इज प्रॉपरली फ्राइड। तो अभी इसमें हम डालेंगे जो हमने कॉर्न्स फ्राई किए थे ना, वो जो कैप्सिकम है उसको भी हम नहीं डालेंगे, उसको हम डालेंगे एंड में, इसको बस थोड़ा सा हम हिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा हमको थिक सा ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से थोड़ा कम डालेंगे हम, मतलब उसको हम उबलने देंगे। तो देखिए ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है, तो इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, कैप्सिकम ऑलमोस्ट सारा डाल दूंगी, थोड़ा सा रख दूंगी बिकॉज जब सर्व करेंगे ना तब डालेंगे ना ऊपर से, तो ये हरा हरा अच्छा लगेगा। ये
ये देखिए हमारी सब्जी जो है ना वो बन गई है, ऐसी ग्रेवी है। अब इसमें लास्ट एक फिनिशिंग टच देंगे जिससे ये और अमेजिंग हो जाएगा। सो ये मैं ले रही हूँ चीज, और चीज को इसमें ना हम थोड़ा सा ग्रेट करके डाल देंगे। सो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना। सो बस इसको मिक्स कर देंगे और बन गया हमारा बिल्कुल चीजी सा कॉर्न की जो रेसिपी होती है वो। और एक बार पक्का ट्राई करना, आई मीन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, दिस विल बी अ कंप्लीट हिट। सो ये देखिए थोड़ी देर बाद ना थिक होके ऐसी हो गई है। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर बीच में डाला था जो मैं आपको बताना भूल गई, तो आप यस लाल मिर्च या हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हो। What is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love? I don't know. No one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me enough, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Can you love me with all? चलो टेस्ट करके बताती हूँ आपको। अमेजिंग। सो डिनर करने के बाद अभी टाइम है किचन क्लीनिंग का टाइम। सो किचन क्लीनिंग का जो मैं जैसे साफ करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जनरली सब ऐसे ही साफ करते हैं, बट जस्ट दैट यू नो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई डू। सो सबसे पहले जो भी सामान बिखरा हुआ है मसाले के डब्बे जो जहाँ पे रखना है उनको वहाँ पे सेट करती हूँ। धोने वाले बर्तनों को सिंक पे रखती हूँ। कुछ बर्तन है जो डिश वॉशर में नहीं होता है तो उनको साइड में रखती हूँ, बिकॉज उनको हाथ से वॉश करने के लिए करना होता है। सो उसके बाद आई यूज टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर मैं यूज करती हूँ जनरली जैसे आपका खाना बनाते बनाते जो खाना गिर जाता है, वेट चीजें जो होती हैं उनको उठाने के लिए, या फिर जब आप गैस में खाना बनाते हो तेल वेल काफी गिरता है ना, तो टिश्यू पेपर बहुत अच्छे से उसको ना क्लीन कर देता है। सो काफी अच्छे से टिश्यू से जितना होता है उतना मैं क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैं एक सिंपल गीला कपड़ा लेती हूँ। यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये अब्जॉर्बिंग वाला कपड़ा होता है, तो काफी अच्छे से ना ये पूरा क्लीन कर देता है। तो अभी सिंपल पानी में इसको मैंने गीला करके गीले कपड़े से पूरा स्लैब गैस स्टोव जो है ये सब साफ कर रही हूँ। आसपास के जो सामान है उनको साफ कर रही हूँ। फाइनली ये सब साफ होने के बाद मैं यूज करती हूँ ये आपका जो क्लीनर है, काफी अच्छा है ये जो मैं क्लीनर यूज कर रही हूँ। इसमें ये एंटीबैक्टीरियल है तो काफी अच्छा है, तो मैं काफी टाइम से यही वाला यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो होममेड भी बना सकते हो जिसमें आप विनेगर वाटर का इक्वल प्रोपोर्शन डाल के, बेकिंग सोडा और थोड़ा नींबू का जूस डाल के आप अपना खुद का सोल्यूशन बना सकते हो, और उससे भी आप काफी अच्छे से पूरा क्लीन कर सकते हो। तो जो जहां जहां खाना ज्यादा सूखा हुआ है वहां पे मैं इसको लिक्विड को डाल के थोड़ा सा छोड़ देती हूँ एक आध सेकंड के लिए, मतलब एक आध सेकंड से ज्यादा ही तो थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। उसके बाद पूरे मैं स्लैब पे जहां जहां मुझे लगता है गंदा है वहां पे ये पूरा स्प्रे करती हूँ। उसके बाद फिर वेट वाइप से वापस से मैं एक पूरा वेट वाइप, मतलब वो जो वेट आपका किचन का कपड़ा है उससे वापस से एक बार पूरा किचन स्लैब जो है वो साफ करती हूँ। तो इससे क्या है ना सारा बैक्टीरियल फंगस कीटाणु होते हैं बेसिकली वो अच्छे से पूरे क्लीन हो जाते हैं, तो काफी अच्छा बिल्कुल क्लीन और शाइनी, और आपको खुद फील होता है कि हाँ सारे जर्म्स वगैरह सब मर गए हैं। सो अभी जो बर्तन है रात को हम डिश वॉशर लगाने वाले हैं। सो जस्ट ये काम रह गया है अभी डिश वॉशर का। सो चलो पूरा डिश वॉशर लगा दिया है, सो बर्तन सुबह तक बिल्कुल वॉश्ड मिल जाएंगे।
तो एक बार पूरा स्लैब साफ हो जाए उसके बाद मैं एक बार ना किचन में वैक्यूम मार देती हूँ, बिकॉज काफ़ी यू नो खाना गिरता ही है ऑफकोर्स, आपको पता ही है. सो एक बार वैक्यूम पूरे किचन में मारने के बाद उसके बाद फिर मैं एक बार सिंपल नॉर्मल पानी से हल्का सा पोछा मार देती हूँ. सो किचन ना ऊपर सिर्फ स्लैब ही नहीं, सुबह मॉर्निंग में आके जब किचन देखते हैं तो बिल्कुल आपको साफ साफ सा नीट सा दिखता है. फ्रेंड्स फाइनली यू कैन सी किचन कम्प्लीटली क्लीन हो गया है. सो ये था मेरा नाइट टाइम का रूटीन. सो आई रियली होप यू लाइक द वीडियो. लाइक किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड चैनल को एक बार चेक पक्का करना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.